हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट ESP में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2023। आज के लिए कमोडिटी मार्केट के लाइव अपडेट, MCX मार्केट में क्या क्या चल रहा है, गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, आज के दिन गोल्ड और सिल्वर में हमें क्या ट्रेड करना है, ये हम जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय से। तो दोस्तों, चलिए हम सुनते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में हमें आज के दिन क्या करना है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट चूंकि ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, जैक्सन होल पर भी मार्केट की नजर टिकी हुई है, उससे पहले गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए सर? रेंज का मार्केट ये जी तेजी है, गोल्ड में कोई मंदी नहीं है, गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड के प्राइजेस करंट मार्केट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं, 3,600-8,500 के आसपास, और मुझे लग रहा है ये फ्राइडे तक अराउंड 59,200 कॉमेक्स 1950 लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। जो भी हमने ये डाउनफॉल देखा है, दैट इज प्योरली रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड इन द डॉलर एंड US के ये बॉन्ड यील्ड। तो अगर दो दिन से हम देखेंगे तो US में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कोई भी गोल्ड में बड़ा फॉल नहीं आया है। सो स्ट्रेंथ दिखा रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों के फंडामेंटल तेज है, दोनों बढ़े गए। सो ये जैक्सन होल मैं ज्यादा से ज्यादा वो इन्फ्लेशन के ऊपर बोलेंगे या कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो इससे वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है मार्केट में, पर मेरा ध्यान तेजी है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अजय जी, चांदी में क्या आपको लगता है इस वक्त बाइंग करना ठीक है, तेजी बढ़ सकती है सर सिल्वर में? नमस्कार मित्र जी, डेफिनेटली अगर हम देखें तो मार्केट से आप देख रहे हैं कि एक तो 350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और आई थिंक बेस मेटल में चीजें से रैलियां हुई है, मुझे लगता है चांदी के अंदर भी एक तेजी कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट दो दिन पहले भी हमने 2% की काफी बड़ा जंप आते भी देखा है, तो मुझे लगता है बेहतर 100-200 की रेंज में आप लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 70-80 तक का लेवल लग रहा है, पर जैसे कुणाल ने भी कहा कि सब चीज फैक्टर इन है, क्योंकि जो जैक्सन हॉल में भी जो स्पीच होनी है, तो वहां पे आप देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरसेप्ट कट की बात हो रही है, जबकि ईस्ट साइड में हम देखिए चाइना कंटिन्यू रेट कट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन पे भी प्रेशर रहेगा। और आई थिंक सितंबर अक्टूबर में कोई रेट हाइक नहीं होगी, अनचेंज रहेगा। नवंबर में दिखाई दे रहा है कि 0.25 का रेट हाइक रहेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश साइन फॉर गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, जहां पे चांदी में मुझे लगता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। तो अभी इमीडिएट तो 70-700 के टारगेट लेके चलना चाहिए, बट पोजिशनली भी यहाँ पे पोजिशन बनानी चाहिए। ठीक है, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। क्रूड पर आपका व्यू कुणाल जी, कच्चे तेल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस पर, इस भाव पर? कच्चे तेल में तेजी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल के प्राइसेस 65-70 के बीच में बाय करना चाहिए, और 67-50 के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रांग है कच्चे तेल का, सो बाइंग की पोजीशन ही बनानी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं बाइंग करके चलें। मेटल पर आपका व्यू क्या है अजय जी ओवरऑल, और आज के लिए कोई टॉप? तो दोस्तों, ये थी आज की MCX मार्केट की लाइव अपडेट, जिसमें गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल हमें आज के दिन क्या व्यू है, क्या इनमें न्यूज़ है, ये सब हमने इस वीडियो में एकदम शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।